हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी के 12th क्लास की बुक का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा, जिसमें ये क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में जो बताया गया है, मोहनजोदड़ो का नीचे वाला नगर, जो कि शहर भी बोल सकते हैं हम, आवासीय इमारतों आवासीय इमारत क्या होती है, रहने योग्य जो मकान होते हैं का एक उदाहरण है। इनमें से कोई आवास एक आंगन पर केंद्रित थे, इनमें से जो कई आवास थे जो कि आंगन पर ही केंद्रित थे, आंगन में ही क्या होता था उनके, जिनमें घर के सभी काम किए जाते थे, आंगन में ही वो घर के सभी काम करते थे, जैसे कि आंगन में घर का खाना बनाना, कताई करना और भी जितने भी काम होते थे, वो एक अपने आंगन में बैठ करके उस काम को निपटाते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, जैसे कि हमारा घर होता है, घर के अंदर एक आंगन होता है, आंगन के चारों ओर उस समय पर कमरे बने हुए थे, ये साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। खाना बनाने और कताई, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कताई जैसे काले जितने भी प्रमुख कार्य होते थे वो कहाँ पर केंद्रित होते थे, एक आंगन में बैठ के ये काम किए जाते थे, जो ज़्यादातर निर्भर था आंगन के ऊपर। विशेष रूप से गर्म और सूखे मौसम में यहाँ एक दूसरे दिलचस्प पहलू यह था कि हड़प्पा निवासी अपनी एकता को बहुत महत्व देते थे। जब गर्म और सूखे का मौसम होता था तो सभी लोग आपस में एकता से रहते थे और उसको एकता के ऊपर ज़्यादा महत्व देते थे मिलजुल कर रहने में। भूमि की सतह पर बनी हुई दीवारों में खिड़कियाँ मौजूद नहीं थी। जो हमारी दीवारें होती है घर की दीवारों के नीचे खिड़कियां नहीं बनी हुई थी, विंडोज़ नहीं बनी हुई थी। हर घर में ईंटों से बना एक स्नान घर, जिसको हम स्नान घर को कहते हैं बाथरूम, हर घर के अंदर एक बाथरूम होता था जो कि ईंटों से बना हुआ होता था। स्नान घर की नालियां दीवारों से मिली हुई होती थी, जो बाथरूम की दीवार होती थी, जो नालियाँ होती थी और वो दीवार से बिल्कुल मिलती हुई चलती थी, सीधी सड़क की नालियों में जाकर मिल जाती थी। वो नालियाँ दीवार से होते हुए सीधी, जैसे अब हम अपने घर पे देखते हैं, वो हमारी नालियाँ जो होती हैं वो दीवार के बराबर से होती है, तो पहले भी ऐसे ही होता था, नालियों में जाकर मिल जाती थी। कुछ घरों में नीचे से ऊपर जाने हेतु सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। नीचे से अगर हमें ऊपर जाना है तो हमारे घर में भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो उस समय भी सीढ़ियाँ होती थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। इस तरह के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिले हैं, जो कि घर के बाहर से शुरू होते थे। घर के बाहर से कुछ लोगों के आज भी घर के बाहर से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, कुछ के घर के अंदर से शुरू होती हैं। उस समय पर जो साक्ष्य मिले हैं वो सीढ़ियाँ घर के बाहर से शुरू होती थी, जो ऊपर जाकर ख़त्म होती थी, जिसका आमतौर पर उपयोग बाहर से आने वाले लोग या राहगीर किया करते थे। जो भी आज भी हम देखते हैं कि बाहर के लोग जो आते हैं या किसी को किराए पर मकान दे रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग अपने मकान का डिज़ाइनिंग जो करते हैं, वो जीना अपने घर का जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बाहर से ही कर देते हैं, जिससे कि बाहर के लोग ऊपर जा सकें, जो हम नीचे रह रहे हैं उससे कोई मतलब ना रहे, तो राहगीरों द्वारा किया जाता था। तथा कई घरों में कुएँ के साक्ष्य भी मिले हैं। कुएँ का उपयोग पानी पीने के लिए या घर के जितने भी सामान हैं, कपड़े धोने के लिए या घर के अंदर जितने भी ज़रूरत के लिए पानी का उपयोग होता था, उस टाइम पर कुएं का इस्तेमाल, कुएं से पानी खींचकर उपयोग पानी किया जाता था। यह माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 600 से 700 के करीब कुएं देखने को मिले हैं। तो उस टाइम पर जो खुदाई हुई है, खुदाई में देखने को क्या मिला है, लगभग 600 या 700 के करीब, 800 भी हो सकते हैं, इतने कुएं देखने को मिले हैं, जो सभी घरों के अंदर और घरों के बाहर भी पाए गए हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस क्वेश्चन से अगर कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।